हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि हम अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ते कोर्ट में जबकि जो प्रोविजन दिया गया है सीपीसी के अंदर ऑर्डर थ्री का रूल वन के अंदर कि आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं और वकील के थ्रू भी लेकिन हम अपना केस क्यों नहीं लड़ते कोर्ट के अंदर तो इसका जो वो है कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं लेकिन आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं लेकिन वेब एप्लीकेशन कैसे बनाई जाएगी ये आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करते हैं एक एम्प्लॉय को आप रखते हैं कि वह एम्प्लॉय आपकी वेब एप्लीकेशन बनाएगा और अच्छी तरीके से बनाएगा क्योंकि उसको उस प्रोसीडिंग्स के बारे में सारा कुछ पता है लेकिन ऐसे ही जगह आप कोर्ट पे केस दाखिल करते हैं और आपको ये तो पता है कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं लेकिन उस फैक्ट्स को कैसे कोर्ट में प्रजेंट करना है कैसे केस फाइल करना है और क्या क्या, क्या स्टेज में क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा इसकी नॉलेज आपको नहीं है तो आप डेफिनेटली एक वकील को अपॉइंट करेंगे एडवोकेट को अपॉइंट करेंगे जिससे कि जो एडवोकेट होता है उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जानता है कैसे फैक्ट्स को रखना है किन फैक्ट्स को नहीं रखना ये सारी नॉलेज उस व्यक्ति को होती है जो कि एक एडवोकेट होता है तो इसलिए हम अपने केस में खुद वकील नहीं बनते क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है बहुत डिफिकल्ट होती हैं और कई स्टेज पे आपको एक हार्ड डिसीजन भी लेना पड़ता है तो इसलिए अगर आप एक वकील अपॉइंट करते हैं अपने केस में तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और अगर आपको अच्छा वकील कैसे मिलेगा कोर्ट के लिए तो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सही वकील कैसे चुने आप मेरे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि अच्छा वकील कैसे चुने तो फ्रेंड्स अगर आप अपना वकील में अपने केस में खुद वकील बनते हैं तो वह है आपके लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है इसलिए आपको अपना केस एक अच्छे एडवोकेट को देना चाहिए जो कि मजबूती से अपने आपके केस को रख सके तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू